गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग विषय में सोशियोमेट्रिक टेक्निक के बारे में बताएंगे। कल हमने असेसमेंट ऑफ ग्रुप प्रोसेसेस में नेचर ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में बात की थी और आज हम आपको सोशियोमेट्रिक टेक्निक के बारे में बताएंगे। समाज मिति विधि या प्रविधि, समाज मिति विधि का अर्थ है कि एक किसी भी व्यक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दूसरे समाज के साथ संबंध को जानना। इन विधियों का प्रत्यक्ष रूप से ये मापा जाता है कि एक व्यक्ति किस सीमा तक दूसरे व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं और ऐसा व्यक्ति स्वयं में कितना ऑब्जेक्टिक व्यवहार द्वारा दूसरे सामाजिक अंतःक्रियाओं या बाहरी जो उनका व्यवहार है उसमें दूसरे व्यक्तियों को कितना आकर्षित करता है, कितना उन पर अपना प्रभाव डालता है। सामाजिक जो समाजमिति है वो आपसी संबंधों को मापने की एक विधि है, सोशियोमेट्रिक टेक्निक। इस टेक्निक के अंतर्गत कि आपसी व्यक्तियों का, बालकों का सामाजिक जो व्यवहार है, जो उनका बिहेवियर है, वो किस सीमा तक है और कैसे वो दूसरे व्यक्ति या बालकों पर अपना प्रभाव छोड़ता है, उन पर कैसे अपना असर डालता है। इस विधि का विकास जे एल मोरिनो ने 1930 में किया। यह विधि एक वस्तुनिष्ठ आलेख विधि, सब्जेक्टिव रिपोर्ट मेथड पर कार्य करती है। इसमें निर्णयों की जो अभिव्यक्ति है वो उत्तरदाता में शामिल होनी चाहिए। इस विधि का उपयोग मनोविज्ञान की अन्य शाखाओं में नहीं किया जा सकता, जबकि इसका उपयोग केवल सामाजिक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र में ही होता है। समाजमिति का अर्थ है कि सामाजिक मापन, सामाजिक सोच का मापन, सामाजिक व्यवहार का मापन। अतः इसमें वे सभी विधियां शामिल हैं जिनका प्रयोग जो अंतः व्यक्तिक संबंध है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उसके मापन में किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से समाज नीति विधि को परिभाषित किया है, कुछ का वर्णन हम करते हैं। इसमें पहले हम बेस्ट के अनुसार देखते हैं, इन्होंने 1982 में इस परिभाषा का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार समाजमिति समूह के व्यक्तियों के मध्य एक सामाजिक संबंधों का वर्णन करने की विधि है। प्रत्यक्ष रूप से यह उन व्यक्तियों के मध्य आकर्षण तथा विकर्षण, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी ले सकते हैं, उनको हम उनकी स्वीकार और अस्वीकार के रूप में भी ले सकते हैं, चाहे उनका आकर्षण है पसंद और नापसंद के रूप में भी ले सकते हैं। आकर्षण और विकर्षण का वर्णन उनमें कुछ प्रश्न पूछकर किया जाता है और विभिन्न परिस्थितियों में वे किन लोगों का चयन करेंगे या किन लोगों का त्याग करेंगे, इससे इस विधि के माध्यम से इस बात का पता चल जाता है। इसके बाद कालीगर के अनुसार इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन 1982 में ही किया। इनके अनुसार समाज विधि को सामाजिक चयन का अध्ययन तथा मापन कहा जा सकता है, क्योंकि इसे किसी एक समूह के सदस्यों के आकर्षण और विकर्षण के अध्ययन का एक साधन भी कहा जाता है। इसके बाद
अकोलकर के अनुसार इन्होंने 1960 में अपनी परिभाषा का प्रतिपादन किया, जिसमें इन्होंने बताया कि समाजविति एक समूह की रचना का अध्ययन करने और समूह के प्रत्येक सदस्य का स्तर मापने की एक प्रविधि है। तो कहने का भाव है कि समाजमिति एक वो टेक्निक है जिसके माध्यम से समाज में रह रहे लोगों का आपस में सामाजिक आकर्षण या उनका सामाजिक विकर्षण मापा जाता है। वो किन लोगों को पसंद करते हैं, किन लोगों को नापसंद करते हैं, किन लोगों का त्याग करते हैं, यानी उपरोक्त परिभाषाओं से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि समाजमिति एक समूह के सदस्यों के बीच आपसी संबंधों का मापन है। अर्थात इस विधि से ये ज्ञात होता है कि कौन सा व्यक्ति अपने समूह में अपना कितना स्थान बना पाता है। ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति का सामाजिक जो भावना का कितना विकास किया जा सकता है। इस प्रकार से सामाजिक प्रविधि ये कार्य करती है कि सोशल स्टेटस क्या है, सामाजिक व्यवहार क्या है, सामाजिक रूप क्या है, एक दूसरे के साथ दूसरे व्यक्तियों के संबंध कैसे हैं। इस प्रकार से इसे हम एकत्रित आंकड़ों के माध्यम से करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि दो प्रकार की विधियों से ये आंकड़े इकट्ठे होते हैं, जिसमें पहला हम प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर को रखते हैं और दूसरा निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन को रखते हैं। क्योंकि किसी भी बालक या किसी भी व्यक्ति को नापने के दो माध्यम हैं, या तो हम उससे प्रश्न करते हैं तब हमें उसका उत्तर मिलता है तो हम उसके बारे में अपनी धारणा निश्चित करते हैं, दूसरा है कि हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, दूसरा हम उसका निरीक्षण करते हैं, उसको केवल देखते हैं कि वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। इस प्रकार से जो प्रश्नायर है, जो क्वेश्चनायर के अंतर्गत हम दो प्रकार के क्वेश्चनों को रखते हैं, एक स्वीकार प्रश्न और दूसरा अस्वीकार्य प्रश्न। स्वीकार्य प्रश्न वे होते हैं कि जिनमें व्यक्ति सामाजिक रूप से अपने जो मत है, जो उनका स्वीकारोक्ति है, उसको स्पष्ट करते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तियों से या बालकों से पूछा जा सकता है कि आप अपना नेता किसे बनाना चाहते हैं, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम। इस प्रकार से व्यक्तियों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो किसको स्वीकार करता है, कि तुम अपना जो अपनी जो बात है वो किससे कहना पसंद करते हो। व्यक्तियों के या बालकों के नाम पूछे जाते हैं, वो उनके स्वीकार्य प्रश्न होते हैं। अस्वीकार्य प्रश्नों या नकारात्मक प्रश्नों के अंतर्गत कि तुम अपना मित्र किसे बनाना पसंद नहीं करोगे, उसमें पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, वो अपनी जो उनकी घृणा होती है उसको फिर विद्यार्थी प्रदर्शित करते हैं। इसके अनुसार ही जो एक साधारणीकरण है, जो एक सारणीबद्ध तरीका है, क्योंकि इन प्रश्नों से हमें ज्ञात होता है कि किन विद्यार्थियों के प्रति एक बालक की के मन में नफरत है, घृणा है, किनको वो पसंद नहीं करता, नकारात्मक बिहेवियर उनका किन के प्रति रहता है और सकारात्मक बिहेवियर किन के प्रति है। उनके व्यवहार को जांचने के बाद हम कुछ आंकड़े प्राप्त करते हैं और प्राप्त तथ्यों की जितनी भी संख्या ज्ञात होती है उसे समाज विधि के अंतर्गत, समाजमिति विधि के अंतर्गत परखते हैं कि एक व्यक्ति किन व्यक्तियों के साथ अपना बिहेवियर ठीक नहीं रखता या किन व्यक्तियों के साथ उसका बिहेवियर ठीक है। इसके लिए समाज ग्राफ तैयार किया जाता है, जिसको हम समाज आलेख भी कह सकते हैं, और संख्यात्मक समाजमिति सूचांक भी तैयार किए जाते हैं।
और उसके बाद समाजमितीय मैट्रिक्स बनाई जाती है। इन तीन स्टेप में से होके ही जो समाजमिति विश्लेषण का मानक तैयार होता है, जिसमें हम ये जांचते हैं कि किन विद्यार्थियों में किस प्रकार के व्यवहार हैं और किस प्रकार के व्यवहार वो करना चाहते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों, हमें समाजमिति विधि की उपयोगिता क्या रहती है, इसकी हमारे लिए ज़रूरत क्या है, इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ सोशियोमेट्रिक मेथड। इसमें समाजमिति के द्वारा समूह की मनोदशा जानने में सहायता मिलती है, समूह के सदस्यों में अधिकतर गुणों की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। इस विधि द्वारा एक समूह के सदस्यों के विषय में व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त करने और उनमें पारस्परिक समायोजन करने हेतु या उनमें किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करके ही और सलाह लेने और उनको अपने सलाह देने से आसानी से उनके विचार हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। समाजमिति के द्वारा यह निश्चित करके कि किस समूह के सदस्यों के मध्य आपसी संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है, प्राप्त करने में ऐसी जानकारी प्राप्त करने में हमें सहायता मिलती है और इस विधि के द्वारा उनकी पारस्परिक स्वीकृति, अस्वीकृति, आकर्षण और घृणा आदि का ज्ञान भी हो जाता है। छात्रों के पारस्परिक एक समूह में होने से उनके कोई नेता, कोई उनकी गुटबंदी, कोई अलगाववाद, तटस्थ रहना या उनसे घृणा करना आदि का पता भी लगाने में सहायता मिलती है। समाजमिति तैयार करके छात्रों को छोटे छोटे समूहों में अपने स्वीकृति के आधार पर एक संगठित भी किया जा सकता है। तो समाजमिति का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो कि किन बालकों की किन किन कक्षा में बालकों के प्रति घृणा है, किन के प्रति उनका प्रेम है और किन के प्रति वो सामान्य हैं यानी तटस्थ हैं, ना उनके प्रति वो इतने ज़्यादा भावुक हैं, ना उनके प्रति इतना लगाव है, ना उनके प्रति इतनी घृणा है। तो इस बात की जानकारी एक अध्यापक को हो जाती है कि उनका सामाजिक जो दायित्व है वो कहाँ तक पूर्त होती है, कहाँ तक उसकी पूर्ति वो कर पाते हैं। तो समाजमिति की उपयोगिता हमारे लिए मेन यही है कि समाज में कहाँ वो विद्यार्थी अपने आप को साबित करते हैं, कहाँ वो विद्यार्थी अपने आप को एक दूसरे के साथ तालमेल बनाने में सहायक होते हैं और सहयोग करते हैं, या उनका आपसी भाईचारे की भावना से रहते हैं या एक दूसरे से घृणा करते हैं, तभी वो आगे चल के अच्छे नागरिक के रूप में सामने आते हैं और अच्छे नेता, अच्छे सहयोगी, अच्छे नागरिक बनते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों, समाजमिति की के कुछ गुण, एडवांटेजेस ऑफ सोशियोमेट्रिक मेथड या टेक्निक। समाजमिति एक ही नज़र में पूरे समूह के बारे में हमें सहायता करती है, ये जानने में सहायता करती है कि पूरा समूह कैसा है, एक ही बार में हमें पता चल जाता है। किसी भी एक समूह द्वारा अन्य व्यक्तियों को पसंद किए जाने, ना पसंद किए जाने की जानकारी भी हमें मिल जाती है। इस विधि के द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि सामाजिक समायोजन और आपसी समस्याओं के समाधान किस प्रकार से हो सकते हैं, यानी सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी हमें सहायता मिलती है। विभिन्न परियोजनाओं के चलाने के लिए भी जो उपयुक्त समूह बनाने में हमारी सहायता करती है। इस विधि की सहायता से हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि विभिन्न कार्य क्रियाओं के आधार पर विद्यार्थियों में किस प्रकार का वर्गीकरण किया जाए, उनमें किस प्रकार से एक समूह के व्यक्तियों को एक साथ रखा जाए,
दूसरे समूह के व्यक्तियों को दूसरे के साथ रखा जाए। कुछ अन्य जो व्यक्ति या जो बालक एक दूसरे समूह से अलग हैं, एक एक करके उनको उस समूह में सम्मिलित किया जा सकता है। इस विधि द्वारा अध्यापक ये पता लगा सकता है कि समूह की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है और कितना परिवर्तन हो गया है। उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने किसी समूह के अन्य सदस्यों को पसंद नहीं करता है, लेकिन जब समाजमिति टेक्निक को अपनाया जाता है तो कुछ विद्यार्थी उस विधि को अपनाकर या उस विधि से गुजरते हुए उन लोगों को या उन बालकों को पसंद करना शुरू कर देते हैं जिनसे वो पहले घृणा करते थे। यह विधि सामान्य रुचियों या कौशलों से युक्त व्यक्तियों का चयन करने में हमारी मदद करती है। समाजमिति विधि के द्वारा विद्यार्थियों में एक कौशल या आदर्श पैदा किए जाते हैं, क्योंकि इनसे कुछ जो शर्मीले व्यक्ति होते हैं उनका पता लगाया जा सकता है और सामाजिक समायोजन के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं। इस विधि के द्वारा ही नेतृत्व के गुणों का विकास किया जा सकता है और विद्यार्थियों में आपसी लोकतांत्रिक भावना को जागृत करने में भी समाजमिति विधि हमारी सहायता करती है। बच्चों, ये इसके कुछ गुण थे। अब हम इसके दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्योंकि ये सांख्यिकी विधि है इसलिए बड़ी सीमित सी है। सांख्यिकी विधि का उपयोग किए बिना आंकड़ों का विश्लेषण संभव नहीं है, तो इस विधि में आंकड़े सम्मिलित होते हैं, आंकड़ों की तुलना वस्तुनिष्ठ नहीं होती। इस विधि का उपयोग केवल कुछ विशिष्ट सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए ही किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग करने के लिए इसके लिए उचित और टेक्निक में निपुण व्यक्ति की आवश्यकता होती है। समाजमिति द्वारा प्राप्त जो फलांक है, जो उसका स्कोर है, वो अधिक विश्वसनीय नहीं होते। यह विधि किसी भी एक व्यक्ति के समूह या उसके स्तर, समूह में उसके स्थान का पता लगाती है, लेकिन यह मालूम नहीं हो सकता कि ऐसा क्यों है, उसका इस प्रकार का स्थान क्यों है। समाजमिति के स्वरूप या बहुदिशांक होने के कारण इसकी जो वैधता है, इसकी जो वैलिडिटी है, वो सुनिश्चित नहीं की जा सकती। ये बच्चों कुछ कमियां थी, समाजमिति विधि में कुछ कमियां हैं जो रह जाती हैं, क्योंकि आंकड़े स्पष्ट नहीं हो पाते, विद्यार्थियों के सही चयन नहीं हो पाता और विद्यार्थियों में किस स्तर तक ऐसी सामाजिक भावना है इसका एक ठोस या एक उसके लिए एक डेडलाइन हम शो नहीं कर सकते। उसके बाद जो भी समाजमिति टेक्निक को अपनाते हैं, जो इसमें अनुसंधान करता है, उनके लिए कुछ सावधानियां भी अपेक्षित हैं, जिसमें क्योंकि एक समय में एक ही व्यक्ति पर ध्यान एकत्रित करना चाहिए तथा सभी प्राप्त चयनों का गहन अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए जो तटस्थ हैं, जो उसके नायक हैं, उन व्यक्तियों की पहचान करने के कारणों को ढूंढना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें यह स्थान प्राप्त हुआ है। उदाहरणार्थ ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनके परिणाम स्वरूप कई जो व्यक्ति हैं वो तटस्थ हो जाते हैं, तटस्थ सदस्य माने जाते हैं। क्योंकि एक समूह से कोई व्यक्ति अलग हो गया है, उसके अलग होने की परिस्थितियां क्या हैं, उसके अलग होने के कारण क्या हैं, ये ढूंढना परम आवश्यक हो जाता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति हो सकता है अपने शर्मीलेपन के कारण कुछ अच्छे दोस्त तो ना बना पाए हों, अपने शर्मीलेपन के कारण ही व्यक्ति अपने
दोस्तों में ना आ पाया हो, अपने ग्रुप के साथ ऐसे जो अपनी सामाजिक भावनाएं हैं वो शेयर नहीं कर सकता है, या वह व्यक्ति समुदाय का कोई नया सदस्य हो सकता है, एक दूसरे का चयन करने वाले व्यक्ति पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर वह व्यक्ति उच्च धार्मिक स्तर का हो सकता है, उनमें कोई सोशली स्टेटस का फ़र्क हो सकता है, जातिवादी भावना हो सकती है, उनमें कोई आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, उनके मदर फादर आपस में फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी एक कॉलोनी एक रेजिडेंस हो सकता है, या फिर उनका रहन सहन का तरीका एक हो सकता है, पैसे से उनके अभिभावक एक हो सकते हैं। इसमें कुछ कारण हैं जहां पे विद्यार्थियों को एक दूसरे से सहयोग और एक दूसरे के साथ मिलने के ज़्यादा अवसर मिलते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो होते तो सोशल हैं बट उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कोई अमीर गरीबी का है, कोई अलग अलग से फैसिलिटीज़ का है, किसी के पास आने जाने के साधन इकट्ठे कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे अलग अलग आते हैं, तो वहाँ भी उनमें डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। इस प्रकार बच्चों आज हमने सोशियोमेट्रिक टेक्निक के बारे में पढ़ा, जो विद्यार्थियों का अध्ययन करने में, विद्यार्थियों के सामाजिक स्तर को बढ़ाने में, सामाजिक स्तर को जांचने में हमारे लिए एक उपयोगी विधि है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।